अजयगढ़ पन्ना बांदा रोड को लगाई गई टोल टैक्स के विरोध में एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन दी चेतावनी। बताते चले पन्ना बांदा रोड पर लगाए गए टोल टैक्स के विरोध में अजयगढ़ एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष साजिद खान के नेतृत्व में एनएसयूआई द्वारा विरोध रैली निकाल शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष साजिद खान द्वारा कहा गया कि यह टोल टैक्स शिवराज सरकार द्वारा अवैध वसूली केंद्र है। अजयगढ़ के गरीब किसानों से कर वसूला कर शिवराज सिंह सरकार बनाना चाहते हैं। जनता इसका जवाब देगी और इस गंदा टैक्स का विरोध करते हैं और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। उक्त ज्ञापन में बताया गया कि अजयगढ़ की आम जनता की मांग है कि पन्ना रोड में ग्राम सिंहपुर एवं बांदा रोड पर ग्राम पिष्टा के समीप मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा बाहर वाहन को शुल्क वेरियल लगाकर लिया जा रहा है, जो कि सड़क की हालत भी अच्छी नहीं है, फिर भी वाहनों से शुल्क लिया जा रहा है और अवैध रूप से वसूली की जा रही है। शासन के द्वारा अजयगढ़ क्षेत्र में, अजयगढ़ क्षेत्र टोटल कृषि प्रधान क्षेत्र है, अजयगढ़ क्षेत्र में दो टोल टैक्स लगाए गए, एक बांदा रोड में एक पन्ना रोड में। भाजपा द्वारा चंदा तो उनके पास बचा नहीं है, इसी तरह का गुंडा टैक्स वसूलेंगे, चाय की कुमटी के जैसे टैक्स गुंडा टैक्स बिठा दिए हैं। यहाँ पे सड़क तो मजबूत है नहीं है, सड़कों में गड्ढे, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे, फिर भी ये टोल टैक्स वसूला जा रहा है जो पूरा अवैध है। इसका हम पूरा विरोध करते हैं, शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी में, अगर ये हटाए नहीं जाते तो पूरी तरह हम लोग उग्र होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और पन्ना विधायक